हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी की रेसिपी और थोड़ी सी यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले चिकन देख लेते हैं कितना चिकन है। तो फ्रेंड, यहाँ पर 12 केजी चिकन और इसे बहुत ही अच्छे से धुलाई हुआ है नमक लगा कर, ताकि इसका फ्लेवर जो होता है वो हट जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पर दूसरी साइड में हमने प्याज रख दिया था फ्राई होने के लिए और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला तड़का लगाकर फ्राई किए हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं आग पे, देखिए किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर तीन तरफ से ईंट रखा हुआ है और आग उसमें लगा के। तो घर में अगर फ्रेंड थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्टी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और मसाले को अच्छे से भूनना है यहाँ पर। तो फ्रेंड, यहाँ पर खड़े मसाले को हमने पीस लिया था, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चिकन का। तो यहाँ पर लाल मिर्च भी पीस के डाले हैं और लहसुन यहाँ पर पीस के। थोड़ा सा लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि चिकन में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर लहसुन भी देखिए पीस के डाले हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट है यहाँ पर ये, और इसे मिक्स करेंगे, काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इतना फ्राई करना है कि कलर भी चेंज हो जाए और साइड साइड से तेल छोड़ने लगे। तो लहसुन का बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए, लहसुन बहुत ही अच्छे से भुनना है। तो फ्रेंड, चलिए चलाते हुए इसे भुनेंगे। और यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला फ्राई हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, मसाले थोड़ा सा ज़्यादा है तो भूनते हुए। और ये देखिए साइड साइड से तेल छोड़ने लगा है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम लोग मसाले को भूनने में। तो यहाँ पर देखिए निकाले हैं चेक करने के लिए और पूरा भाप भाप दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश दिख रहा है, मसाला फ्राई हो रहा है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं चिकन को। तो इसका पानी निथारते हुए डालेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पीस डालते हुए जाएंगे और एक तरफ से चलाते रहेंगे और मिक्स करते हुए। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बीच में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप भी इस तरह से घर में पार्टी हो तो बना सकते हैं इजीली और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाला है चिकन करी की रेसिपी। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए सबसे आपको मेन होता है चिकन में, अगर आपको बहुत ही टेस्टी बनाना है तो चिकन की धुलाई बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। बिल्कुल धोते धोते वो कलर बिल्कुल वाइट हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। फ्रेंड, थोड़ा सा बैग से साउंड आ गया है तो माइंड मत कीजिएगा। और फ्रेंड, नमक डाल के आप अगर चिकन को धोएंगे तो काफ़ी बेहतर धुलाई होगा। तो यहाँ पर देखिए चिकन फ्राई हो रहा है और साइड साइड से देखिए तेल भी छोड़ने लगा। तो चिकन को आपको अगर पसंद है हल्का हल्का नीचे से चिप करने लगता है तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप उस तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस टाइम पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मुझे चिपका चिपका हुआ सा पसंद आता है, तो थोड़ा सा इसे नीचे से जलने लगेगा। और ये देखिए फ्रेंड, तेज़पत्ता अभी डालना है। तेज़पत्ते का फ्लेवर बाद में थोड़ा सा और भी अच्छा आता है, थोड़ा सा आप उस समय डाल लीजिए प्याज के साथ में और थोड़ा सा बाद में डालिए तो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए कलर बिल्कुल भी चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है चिकन का। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल क्लोज करके दिखा रहे हैं आपको, साइड साइड से तेल छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा बैक से आवाज़ आ गई है फ्रेंड, वॉइस ओवर कितने बार कर रही हूँ लेकिन बार बार स्किप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पानी डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर ज़्यादा डाल रहे हैं और इसे कुक करना है। तो कुक होते होते ये बिल्कुल गाढ़ा सा सालन तैयार हो जाएगा ग्रेवी। और ये देखिए फ्रेंड, तो चलिए अब इसमें हम लोग ऊपर से धनिया ज़्यादा हमको नहीं बताओ, हमको नहीं बताओ भाई, भाई है ना इसे कोई करना चाहिए।